Assalamu alaikum, welcome back to a new and very interesting video on a very interesting topic. So, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपकी AMU या फिर बाकी सारी यूनिवर्सिटी कब से खुल रही है. काफ़ी लोगों के मन में डर बना हुआ है कि फिर से लॉकडाउन लगा आ जाएगा, जैसे अभी नया एक वेरियंट आया कोविड का, तो इसकी वजह से लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो जाए. तो आज इसी चर्चों पे बात करेंगे. एक्चुअली अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है, आप चेक कर सकते हैं ख़ुद भी. ये न्यूज़ है आपको दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ से आप सुशांत सिंह राजपूत ने पढ़ाई की थी वो उसी इंस्टीट्यूट का है. ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है. तो इन्होंने नोटिस डाला है, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन नोटिफिकेशन फॉर DTU और कॉपी इनक्लोज फॉर एकेडमिक कैलेंडर सेमेस्टर फॉर ऑल UG एंड PG कोर्सेज. द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू रिज्यूम ऑल द टीचिंग एक्टिविटी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल एंड प्रोजेक्ट रिसर्च एंड द वर्क UG प्रोग्राम इन फिजिकल मोड. यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि फिजिकल मोड पे उन लोगों ने अपना पहला स्टेप डाला है कि हम अब से फिजिकल पढ़ाएंगे, ऑनलाइन को ख़त्म करेंगे. ये कब से करेंगे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 16th का नोटिस है. यहाँ देखें आप, 16 का नोटिस है. यहाँ आपको एक मिनट में नोटिस करा देता हूँ, ये 16 का नोटिस है और 15 दिसंबर से ये अपना मतलब ये डेटेड और 15 कॉपी है. ये 15 दिसंबर के इन्होंने अपने डिसाइड करा है कि हम अब ये जो है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को अब ये UG करेंगे, मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पे लाएंगे, फिजिकल मोड पे लाएंगे. आप रीओपन हो रहा है और दूसरा आप जाके इसे चेक कर सकते हैं इसकी साइट पे, किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे. देखिए यहाँ देख रहे हैं, एक सेकेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल रीओपन. ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली स्कूल कॉलेजेस खोलना कितना सही है. अब मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने कॉलेजेस भी स्कूल भी खोल दिए हैं. और यहाँ भी आप ABP न्यूज़ पे भी देख सकते हैं सेम चीज़ जाके, और आज तक पे भी दिल्ली स्कूल रीओपन. अब इंशाल्लाह दुआ करें कि AMU भी आपकी जो है इंशाल्लाह 15 दिसंबर से तो नहीं, जनवरी के एंड जनवरी या फिर मिड ऑफ फेब से इंशाल्लाह खुल जाएगा. आपके UG एंड PG कोर्सेज ऑनलाइन से ऑफलाइन आएंगे. सो थैंक यू.